देख सकते हैं छोटे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30। यहाँ पर देख सकते हैं सो हम लेटा हुआ है मस्त तरीके से। यहाँ पर अंदर देख सकते हैं गाइस, आपको दिखा रहा हूँ सुबह सुबह। सो हम यहाँ पर सो रहा है अपने झूले में। उधर देख सकते हैं सत्यम भी यहाँ पर है, वो भी दोस्तों दूसरा झूला डलवा लिया उसने अम्मा पर कि अम्मा जी मेरे लिए भी झूला डाल दो। तो यहाँ पर झूला डाल दिया है। और साथ में दोस्तों अभी यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाई हो रही है, क्योंकि रात सो हमने क्या किया था, छोटे वाले बाबू ने उठी कर दी थी बैठते ही, तो सारे के सारे कपड़े लेके आ गए हैं। वॉशिंग मशीन में यहाँ पर धुलाई हो रही है। और साथ में जो है सत्यम ने भी यहाँ पर दूसरा झूला डलवा लिया है, वो भी झूले के साथ खेल रहा है। तो गाइस सत्यम का झूला अलग है, सोम का झूला अलग है। सोम अपने झूले में सो रहा है, सत्यम यहाँ पर इधर झूले पे खेल रहा है। तो यहाँ पर जो है मम्मी जी ने यहाँ पर मुठिया भोज दी हैं, और बाकी जो और भी थी वो रख दी हैं शाम को। तो गाय मैंने यहाँ पर दो मुठियाँ ले ली हैं। मुठियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये मीठी हैं, पक जाएंगी तो इनका स्वाद खत्म हो जाए। तो गाय अब पीते हैं मठा। यहाँ पर मैंने ले लिया जलजीरा, क्योंकि मठा पीते हैं, मठा करते हैं गिलास में, क्योंकि मठा पीने से ना तरी आती है दिमाग के अंदर, काफ़ी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मठा कर लेते हैं। तो गाय हमने यहाँ पर मठा कर लिया गिलास के अंदर, साथ में जलजीरा भी डाल लिया, क्योंकि इससे जो स्वाद है काफ़ी बढ़िया, जो स्वाद है गाय काफ़ी अच्छा बन जाएगा और पीने में भी अच्छा लगेगा। तो गाय सत्यम झूले पर झूल रहा है, बोल रहा है मुझे धोखा दो, चल दोबारा मारता हूँ, चल बहुत तेज नहीं लग गिर जाएगा अभी तू, बहुत तेज अम्मा ना मारो धीरे धीरे। गाय बोल रहा है मुझे झूठा लगाओ बार बार, तो मैं धीरे से इसको मार रहा हूँ, तो बोल रहा है जोर जोर की मारो, जोर जोर की मारूंगा तो गिर जाएगा। सुबह मस्त तरीके से लेटा आराम से। तो सत्यम जो है पन्नी से खेल रहा है, जो पेप्सी वाली पन्नी थी उसमें इनका के पाए भाग रहा है, और छोटा वाला वो मेरे पास है और लग जाएगी, क्योंकि इसके पीठ पे गाय बहुत सारी अंधोरी हो गई है, तो इस वजह से ये नंगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम की यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। सत्यम जो कैसे पढ़ाई कर ऐसे ने पढ़ाई के नाम पर तो भाग गया। तो गोपाल आ गया है, खेत पर गया था सुबह मक्का देखने के लिए, सत्यम को बुला रहा है। सत्यम जा जाओ घूम जाओ, जाओगे खेत में जा ले लल्ला को ले जा, लल्ला जाएगा। तो काइन यार फिर से आ चुका है, मुन्ना कल भी लेके आया था, आज भी लेके आया है। सत्यम देख रहा है, सत्यम आज हमारे साथ नहीं गया क्योंकि मैं घर पे था, गोपाल ही साथ गया था, पापा जी गए थे। और बाकी जो मक्का कट चुकी है, और जल्दी से इसको यहाँ पर उतारते हैं, बाकी कल वाले ये पूरे हैं, अब जो नए पूरे आ गए इनको उतारेंगे और फिर कूटेंगे। तो देख सकते हैं छोटे वाले बाबू को गाड़ी में बैठा के घुमाया जा रहा है मस्त तरीके से, गोपाल घुमा रहा है और साथ में सत्यम भी लेके जा रहे हैं बाहर को। तो गाय मस्त तरीके से यहाँ पर कुटी हो रही है, मुन्ना मुटा लगा रहा है और गोपाल भी खड़ा है। थोड़ी देर में इसका पूरा कुटने के बाद हमारा नंबर आएगा पूरे का, क्योंकि अपने घोड़े के लिए लेकर के जाएगा। छोटा वाला वो मस्त तरीके से लेटा हुआ है, ओए ओ धूप में ले जा, धूप में पीछे जा, पीछे 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 एफ ए धूप में ले जाते हैं, धूप में नहीं ले जाते हैं, हाँ यहीं पर खिलाओ आराम से, धूप में ले जाओ तो घाम लग जाएगी। मनु सत्यम को आराम से लेटा हुआ है, सत्यम गाड़ी चला रहा है। तो भाई देख सकते हैं सत्यम भी बैठ चुका है और सोम भी यहाँ पर बैठा है, दोनों भाई मस्त तरीके से खेल रहे हैं। ये भी बैठा था मम्मी जब पे आराम में पड़ा है, तो मम्मी जी झुला रही हैं। तो गाइस देख सकते हैं छोटा वाला बाबू है, तो गाइस सत्यम देख सकते हैं कढ़ाई पनीर खा रहा है, और देख सकते जीव खा रहा छोटा वाला, मिर्च लगी, मिर्च लगी देख रहे पनीर पनीर, ये भी खाना सीख गया, ये तो खाता ही है सत्यम। तो छोटा वाला बाबू पनीर खा रहा है, दोनों मस्त तरीके से खा रहे हैं, वो भी सीख गया खाना। यहाँ पर देख सकते हैं हमने काफ़ी बड़ा कबाड़ा यहाँ पर निकाल लिया है, जो हमारे पुराने पुराने पंखे थे वो हमने, एक पंखा ये रहा हमारा और गाय एक पंखा ये रहा, दोनों पंखे यहाँ पर है, ये जा रहे हैं बाजार में, इनको कबाड़े में दे देंगे और नया पंखा फिर ले कर के आएंगे। यार सत्यम चलें बाजार में, चलना है बेचने करके, और ये मोटर किट है ये भी, चलते हैं बाजार में पंखे लेकर को। तो गाय बाइक को निकालते हैं, बाइक रेडी हो चुकी है। तो गोपाल भी यहाँ पर तैयार हो चुका है, पापा जी बैठे गठिया पर, गोपाल पंखा लेकर के आ रहा है, गोपाल जल्दी आ पंखा लेकर के, और सत्यम गाड़ी के ऊपर बैठ चुका है। सत्यम बोल रहा है जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी धूप बहुत पड़ रही है, चाय भाटक रही है ऊपर, अरे नहीं रख रहे लंबा लंबा रखे भाई, पंखे रखे जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर,
रख ये नो यहाँ, हाँ ये फिर रख ले, एक पंखा हुआ जा ऊपर रख लिए। तो गाय हमने पंखे यहाँ पर रख लिए दोनों, चलो तो हम आ चुके हैं पंखे वाली दुकान पर। गोपाल यहाँ पर पंखा दोनों उठा रहा है, उसका पेंट भी लिस गया गाइस। तो हम आ चुके हैं दुकान पर और यहाँ पर जो है मोटर फिट करा रहे हैं और तीन पंखे। किट कौन सी? बैगम पड़ी है, हाँ एक किट भी है। तो गाइस इसके अंदर से एक किट भी निकालते हैं, जो यहाँ पर किट भी खराब थी इसे फाइनली जो हम मोटर लेकर के आए थे वो मोटर फूकी हुई निकली आई है। तो गाइस क्या करें, उसको फिर ऐसा है दिखा रहे हैं मिस्त्री साहब को, मिस्त्री साहब अगर सही कर दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको नई मोटर ही यहाँ पर बाय करनी पड़ेगी। अगर पूरा चलाना है तो नहीं लेने के विचार में देखते हैं, पहले इसको चेक करें। इसमें कंपनी का है जैसे, तो यहाँ पर थंडर किंग की मोटर ले ली हमने 450 में। तो गाइस हम आ चुके हैं मिस्त्री जी की दुकान पर, यहाँ पर गाड़ी में टाइम एंड चेंज करवाने के लिए, जो हमारी गाड़ी काफ़ी से यहाँ पर आवाज़ कर रही है टाइम एंड चेंज करवा लेते हैं। अब इसमें टाइम एंड चेंज है बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, साउंड ज़्यादा काफ़ी से ज़्यादा सही हो जाएगा। तो गाय गाड़ी की चेन टाट करवा रहे हैं और अभी इंजन तो इसमें मना कर दिया मिस्त्री साहब ने, क्योंकि बोल दिया कि अभी जो है गाड़ी सही हो जाएगी। तो मस्त तरीके से गाड़ी काफ़ी देर भूख लग रही थी हमें, तो यहाँ पर आते हैं छोटी की दुकान पर, तो सबसे पहले रसमलाई खाते हैं, उसके बाद हमने समोसे भी यहाँ पर बाकी जो कुछ बर्फी वगैरह जो भी खाना है वो खाते हैं। सबसे पहले रसमलाई खा चुके हैं यहाँ पर जूस की दुकान पर, तो मौसमी का जूस निकलवाते हैं करीब 4 किलो, क्योंकि कुछ जूस यहाँ पर पीना भी है, कुछ घर लेकर के जाना है। तो गोपाल भी है साथ में, भाई गर्मी के मौसम में जूस पीना बहुत ही बढ़िया रहता है, फायदेमंद शरीर के लिए मस्त तरीके से। तो गाय घर पे आ चुके हैं, गाड़ी की रेस कुछ ज़्यादा हो गई है तो इस पर गोपाल कम कर। गाइस अब मैं नहा लेता हूँ, गर्मी काफ़ी तेज़ है, अभी तुरंत ही बाजार से लोड करके आए हुए हैं, मोटर भी लेके आए नई वाली, और साथ में कुछ पत्थर के लिए खाते हैं खाना। खाने में है आलू गोभी की सब्जी, साथ में भी ब्रेड लेकर आया था सत्यम के लिए, सत्यम ने बोला था चटनी है मीठी और खट्टी। तो गाय छोटा वाला वो जल चुका है, यहाँ पर रो रहा है, क्या रो रहे हो? तो गाय इसकी मम्मी अभी आ रही हैं, मम्मी जिसकी दूध लेने गई हैं बोतल में, ये बोतल पर दूध पिएगा, चुपा है चुपा। तो हमारा कूलर यहाँ पर खुला पड़ा है, वैसे अब इसकी नई मोटर का नाम है थंडर किंग एयर कूलर। तो फाइनली मोटर यहाँ पर लग चुकी है और घूंटे भी इसके कस चुके हैं, अब फिर भी इसके अंदर पानी वाली मोटर और लगानी है, बाकी यहाँ पर है कूलर हमारा सेट हो जाएगा। जो पंप रखी हुई है पानी वाली, ये सब यहाँ पर लगानी है, कसनी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अभी टाइम लगेगा। सत्यम उठ के आ गया है, जैसे ही सत्यम उठ के आया मोबाइल देखना स्टार्ट कर दिया गाय सत्यम तो पूरे दिन ही मोबाइल देख। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाय सत्यम जो है पढ़ रहा है अपने बाबा जी के पास, छोटा वाला बाबू का वो दिन पढ़ा हुआ है। पढ़ो सत्यम, पढ़ो, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ पढ़ो, और तू भी इसे ही पढ़ाओ, तुम उससे पढ़ा है, हट जाओ ना वीडियो मत बनाओ। तो हमारा कूलर फाइनली चालू हो चुका है, सुबह से आए और टपड़ मार रहा जहाज मारे, जहाज नहीं टाट टमाटर टाफे टमाटर चाफे जहाज ठाफे टटेरा ठाफे झरना खेल 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 मैं नहीं लूंगा। तो गाइस यहाँ पर छोटा वाला बाबू देख के मेरे पास आ रहा है, तो मस्त तरीके से पढ़ दोनों लोग देखते हैं। छोटा वाला बाबू हमारे पास आ चुका है, रो रहा था बाबा जी की गोदी में, अरे अरे नाटक करते बाय करते बाय करते। देखिए कच्चे में पढ़ाई कर रहा है, देखिए तू भी पढ़ ले जाए, जा पढ़ ले, उसकी पढ़ाई अलग है, पढ़ाई अलग है। जो गाय बाबू को मार रहा है टांप पकड़ के, जो वो अच्छी खासी खेल रहा था वहां पर, वो वहां से लेके आ गया और दो टांप कर इसकी मार, मम्मी ये पिटेगा तू, ओए ले। तो गाय देखो मान नहीं रहा है, वो लल्ला को छोटे वाले को मार रहा है फोम को, देखो कैसे कर रहा है उदम, पता उदम नहीं करते बेटा। माफी पकड़ के लेके आ गया अपनी मम्मी के पास, खेल रहा था मस्त तरीके से, माफी लेगा तो फिर उठा के लेके आ रहा है, वो रो रहा है छोड़ दे। दोबारा घर पे ला लिए, तो गाय यहाँ पर खाना आ चुका है, तो जल्दी से खाना खाते हैं। खाने में है आलू गोभी सब्जी, साथ में कढ़ाई पनीर, और यहाँ पर लौंजी है, रोटी है, और यहाँ पर आम की चटनी है। तो गाय आप सभी बात का पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए टाटा बाय बाय। तो गाय सत्यम नहा धो के फिर से रेडी हो गया है, शाम के टाइम अभी नहाया।